को एक जीव दया का विशेष संदेश देना चाहेंगे, जैसे नॉन वायलेंस के ऊपर है, जो गांधी जी के तत्व है, जो महावीर के तत्व है, जो बुद्ध की मैत्री है, कृष्ण का प्रेम है, राम की मर्यादा है, जीसस का सेवा भाव है, और पुराण के अंदर लिखा है जैसे भाईचारा के तत्व है। ये सारे संप्रदायों को तत्व, संत भले ही जैन संत होते हैं लेकिन उनके जो उपदेश है वो जन जन के हितार्थ होते हैं। तो कोई भी संप्रदाय से संबंधित न होकर के, इसमें जैन पब्लिक भी आई हुई है, हिंदू पब्लिक भी आई हुई है, कुछ अदर लोग भी आए हुए, सभी तरह के लोग इसमें मौजूद हैं, जो आज इस जीव दया के प्रोग्राम के लिए बनाने के लिए, जीव दया का संदेश पूरे विश्व में फैलाने के लिए, आज के दिन हम एक जीवन क्रांति मिशन का एक विशेष रूप से यहाँ पर संगठन और घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके अंदर पूरे भारतवर्ष से सिर्फ जैन ही नहीं बल्कि जीव दया प्रेमी जो भी है इस संस्था के साथ जुड़ करके एक विशेष तरह का विश्व स्तरीय कार्य हमारे यहाँ कर सकते हैं। यही भावना के साथ, मैत्री प्रेम भावना के साथ, अहिंसा का प्रचार के लिए आज का प्रोग्राम हम विशेष रूप से, कल नवरात्रि शुरू हो रहा है और आज के दिन जो है ये कार्यक्रम हो रहा है, तो हर साल ऐसा ही होता है कि आज इस साल से हम प्रारंभ कर रहे हैं कि इसको हर साल हो, हर महीना शिविर करें, हर महीना प्रोग्राम करें, और इन लोगों के अंदर जो हिंसा के भाव जगे हुए हैं, जो आतंकवाद के भाव जग चुके हैं, जो भेदभाव के बातों से हमारे बीच में जो झगड़े झंझट होते हैं, तो हम आपस में भाईचारा की बात को रखते हुए एक जीव दया, जैसे कि है कि जीव दया का मतलब मात्र गो रक्षा करना ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों पर जीव दया होनी चाहिए। जीव दया हर कार्य में होती है, जैसे मनुष्यों के लिए जीव दया करना चाहिए, उसमें ये मतलब नहीं कि वो जैन है या हिंदू है, मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, हमें मात्र जीव दया है कि उसकी सेवा करनी है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे किसी भी प्रकार के जीव हो, उनके लिए सेवा भाव देना, सेवा देना, नगर नगर में एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाना, नगर नगर में ब्लड बैंक करवाना, ब्लड डोनेशन शिविर आदि करवाना, इस तरह का कार्य ये महाराज जी ने आज आदेश दिया है कि आज से इस कार्य को प्रारंभ करते हैं और इसके विशाल रूप में विश्व स्तर पर हमें ले जाना है। सर, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, आपका समाज पूरे देश को एक अच्छे पीएम की तलाश है, आपका समाज कैसे पीएम करते हैं? आप एक साइड में, इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज कोई भी हो, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अच्छे व्यक्ति की तलाश हर किसी को है, साधु संतों को भी है, समाज को भी है, हर देशभक्त को है, लेकिन हम अभी तय नहीं कर सकते कि कौन सच्चा उम्मीदवार हो सकता है, कौन सच्चा प्रधानमंत्री हो सकता है, जिसके लिए हमें अथक प्रयास करना पड़ेगा और हर किसी के मन की भावनाओं को जानना पड़ेगा, जो कभी भेदभाव ना करें, जो किसी तरह का भ्रष्टाचार में ना हो, किसी तरह के आतंकवाद में ना हो, किसी तरह के विवादों में ना हो, इस तरह से नहीं विवादों में फंसता हुआ कोई उम्मीदवार यदि कोई आता है और जो देश के लिए हितकार करता है और पक्षपात